हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैली एजुकेटर पे दोस्तों आ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंथ क्लास मैथमेटिक्स

वेरिएबल के साथ कोई भी न्यूमेरिक फैक्टर होगा उसको हम कॉफिशियंट बोलते हैं उस वेरिएबल का जैसे एस का कॉफिशियंट क्या है फोर है क्योंकि एस स्क्र के साथ क्या आता है फोर है तो कॉफिशियंट कितना है माइनस फोर है ठीक है ना एस के साथ जो भी है वो उसका कॉफिशेंट है समझ में आ गया उसके बाद यहाँ पे वो ना

तो हाँ ठीक है ये कितना है माइनस थ्री लास्ट में आएगा बाद में, में करके लिखेंगे बट एक समझ के चलना है यहाँ पे इस कांस्टेंट नंबर को तो ऐसे ही ये मल्टीपल होता है बस ये बात ध्यान में रखनी है तो बाकी जीरोस निकालेंगे फिर फिलहाल uh, के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए दो फॉर्मूले सम ऑफ जीरोस करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे बहुत आसान है देखते जाओ देखो मैंने इसको पी एफ एस मान लिया क्योंकि एस पे था क्या

क्यों मेरे को तो माइनस फोर एस चाहिए माइनस फोर एस चाहिए तो इसका मतलब ये गलत हो गया अब ये काम करते हैं टू एस माइनस करूंगा तो जीरो जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा एक और काम करते हैं 2s, 2s, में 4s. अब ठीक हो गया तो इसका मतलब है प्लस प्लस करके आए माइनस माइनस करके आए चाहे माइनस प्लस देखो प्लस माइनस करके आए चाहे माइनस माइनस करके आए तीन टेक्निक को यूज करना है तीन टेक्निक का यूज करके जिस आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो उसको लिख दो

क्योंकि टू एस ए ही था वो टू एस बाहर निकाल दिया तो ओनली माइनस वन बचेगा माइनस अब यहां से क्या निकाल सकते हैं यह, यहां से देखो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है टू भी नहीं निकाल सकते क्योंकि टू इधर तो है पर टू इधर नहीं है तो सेम चीज निकलती है कॉमन तो आप क्या करोगे आप यहां से निकाल दो कितना माइनस वन निकाल दो बाहर माइनस वन बाहर निकाला तो अंदर टू एस बचा क्योंकि माइनस वन देखो टू एस के साथ वन लगा होता है हर चीज के साथ वन लगा होता है तो माइनस वन बाहर निकाला तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा

ठीक है अब हम क्या करेंगे इन जीरोस का सम निकालना है और इन जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है कौन सा फार्मूला होता है अभी मैं बताता हूं आपको ठीक है रिलेशनशिप निकालना है ना तो रिलेशनशिप के लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा देखो भाई यहां पे फार्मूला लिखता हूं मैं पहले आपको देखो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला ये होता है

फिशियंट ऑफ एस एस के साथ क्या लगा हुआ माइनस फोर एस के साथ माइनस फोर और एस के साथ फोर तो इसका मतलब एस का कॉफिशियंट कितना है है ना देखो कॉफिशियंट ऑफ एस की जगह माइनस फोर अपॉन में ऑफ कॉफिशिय कितना है ओनली फोर ठीक है अच्छा देखो अपॉन सेम है तो अपॉन सेम रखो ऊपर वाले को प्लस कर दो वन और वन टू अपॉन में टू क्या रहा सेम रहा इक्वल टू में माइनस वाइन प्लस होता है फोर अपॉन फोर फोर से फोर कटा टू से टू कटा वन इक्व टू वन ठीक है इसका मतलब क्या हुआ जो है वो क्या हो गया बराबर हो गया सम ऑफ जीरो का मतलब जीरो का और कॉफिशेंट का रिलेशनशिप यहां पर निकल गया क्योंकि दोनों क्या आगे बराबर गए अब हम निकालेंगे किसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं देखो बहुत इजी देखो जैसे सम ना मल्टीप्लाई कर दो की जगह मल्टीप्लाई कर दो, दो तो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एस का स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी वन है देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म वन है ठीक है ना और एस का, uh, का फोर है ठीक है तो देखो ये आपने लिख दिया

रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशंस इज वेरीफाइड रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ ओके okay, स्टूडेंट्स ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू